I hope all of you have started your studies. As you know that we have started our revision. In our today's EVS class, we will revise chapter Our Body. In this picture, you can see the different parts of our body. Sabhi ko picture dikhai de rahi hai. And we can see so many organs of our body that help us to do so many activities in our daily life. With the help of these organs, we can do many things. Yes, aapko picture mein body parts dikhai de rahe hain aur in body parts ki help se hum bahut sare kaam karte hain. Yes, eyes, ear, nose, arm, chest, legs, hands, mouth, shoulder, फिंगर नी घुटना है ना नी यानी घुटने जो होते हैं हमारे टो यानी जो आपके पांव के जो अंगूठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं टोज दोनों पांव के अंगूठे टोज सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू डू मेनी एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ हम इनकी हेल्प से बहुत सारे काम करते हैं सो चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर यू कैन सी So many organs of our body. बहुत सारे organs, बहुत सारे हमारे body parts हमें दिखाई दे रहे हैं. तो the organs or the body parts which can be seen from outside are called external organs. ऐसे organs, ऐसे हमारे body parts जो हम बाहर से देख सकते हैं हमारी body पे जो दिखाई देते हैं जैसे अभी हमने देखा eyes, nose, ears. Hands, legs, etc. These type of organs are called external organs. इनको हम क्या बोलते हैं External organs, जिन्हें हम easily देख सकते हैं हमारी आईज से And ऐसे organs जो हमें दिखाई नहीं देते हैं The organs which cannot be seen from outside are called internal organs. ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं मतलब जो आउटसाइड जो हमारी बॉडी का आउटर पार्ट है जैसे आईज सभी को दिखाई दे रही है नोज सभी देख सकते हैं तो दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स बट ऐसे ऑर्गन्स जो दिखाई नहीं देते हैं जो हमारी स्किन के नीचे होते हैं हमारी स्किन क्या करती है हमारी चमड़ी स्किन हमारी चमड़ी हमारे उन बॉडी पार्ट्स को कवर रखती है टू प्रोटेक्ट देम Brain, heart, lungs, stomach are some examples of internal organs जो हमारी स्किन के नीचे होते हैं हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ होता है Where it lies? Yes, the brain is located inside our head हमारे सिर के अंदर होता है and it controls our whole body ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके पास है हमारे ब्रेन के पास है और ब्रेन कहाँ होता है हमारे हेड हमारे सिर के अंदर हार्ट दिल है ना द हार्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है हमारा दिल होता है इट पंप्स ब्लड To all parts of the body और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड सर्कुलेट करने का काम हमारा हार्ट करता है क्लियर लंग्स दैट हेल्प अस टू ब्रीथ सांस लेने में हमारी मदद करता है जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं फेफड़े है ना दे ऑल्सो सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर बॉडी हमारी बॉडी में जिस ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो भी हमें लंग्स की हेल्प से मिलता है स्टमक पेट सभी को पता है इज बिलो द चेस्ट कहाँ होता है हमारी चेस्ट के नीचे एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड हम जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है हमारे पेट में यस और वो हमें बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में क्लियर सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स स्टमक लंग्स हार्ट ब्रेन जो हमें
बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है। एंड दे हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स, दे हेल्प अस इन मैनी वेज। नाउ सेंस ऑर्गन्स, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे? यस वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो 5 हैं, आईज, ears, nose, tongue, skin. Yes? And how do they help us? वो हमें कैसे help करते हैं? Eyes help us to see all the things around us. हमारे चारों तरफ जो भी होता है उसे देखने में आंखें हमारी help करती है. Ears help us to hear the sounds. जो भी आवाजें होती हैं उनको सुनने में कौन मदद करता है हमारी? हमारे कान मदद करते हैं. यस एंड नोज हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स, चीजों को सूंघने में नोज हमारी हेल्प करता है. बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, एक्सेट्रा. यस एंड टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट हमें किससे पता चलता है? हमारी टंग से, हमारी जीभ से, कि थिंग्स कैसी है. थिंग्स आर स्वीट और शॉर, मीठी है, कड़वी है, बिटर है, खट्टी है, एक्सेट्रा. ये सब हमें कौन बताता है? हमारी टंग, हमारी जीभ बताती है. एंड फील ऑफ टच, कोई चीज गर्म है, इट्स वेरी हॉट, द वॉटर इज वेरी कोल्ड. ये चीजें हमें किससे पता चलती है? विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन. यस सो दैट्स व्हाई दीज 5 ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. So children, I hope that every point of this chapter revised by you all, and today again you have understood all the points. Try to see this video, or I can say must see this video 2 to 3 times, so you all will be able to do your worksheet by your own. Agar aap is video ko 2 se 3 baar dekhenge तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आप अपनी वर्कशीट बहुत अच्छे से कर पाएंगे. यस चिल्ड्रन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम.